नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। आमला आरडी एकेडमी बैतूल के बैनर तले रविवार बैतूल पुलिस खेल मैदान पर अग्निवीर आर्मी भर्ती चैंपियनशिप रैली का आयोजन किया गया। रैली में जिले भर से 1500 युवाओं ने शामिल होकर 1600 मीटर रेस में अपना अपना प्रदर्शन किया। प्रशिक्षक रिटायर्ड आर्मी सुनील सोनपुरे ने बताया, आयोजित प्रतियोगिता में ग्लोरियस एकेडमी आमला से जुड़े आमला ब्लॉक के आसूला ग्राम में निवासरत अशोक पिता मुन्ना कवड़े ने 1600 मीटर रनिंग चैंपियनशिप में जिले में चौथा स्थान प्राप्त कर आमला का नाम रोशन किया। इस दौरान अशोक कवड़े को ट्रॉफी भेंट कर एकेडमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। कवड़े ने बताया, इसके पूर्व मेरे द्वारा छिंदवाड़ा मैराथन दौड़ में भाग लेकर 8वां स्थान प्राप्त किया गया था। गृह वापसी पर नगर के जनपद चौक पर ईस्ट मित्रों एवं नगर वासियों द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। क्या नाम बेटा, पहले तो आपका नाम बताया। अशोक कवड़े। कहाँ रहते हो? असोला आमला ब्लॉक के असोला ग्राम। ये आपके हाथों में जो चमचमाती ट्रॉफी दिख रही है, एक किस इवेंट में आप जीत कर आए? बैतूल 16 डिस्ट्रिक्ट में 1600 मीटर चैंपियनशिप था, उसमें फोर्थ रैंक आया। किसके द्वारा आयोजित की गई थी ये? बैतूल डिस्ट्रिक्ट में वो रघुकुल एकेडमी। अच्छा, एक्स आर्मी मैन है अशोक रघुवंशी जी, उनके द्वारा आयोजित किया गया था रघुकुल एकेडमी। ये किसके मार्गदर्शन में आप कल थे, ट्रेनिंग ले रहे थे? अभी ये रवि राठौर जो जीआरपीएफ में है पुलिस फोर्स, और हमारे साथ में है एक्स आर्मी मैन सोनपुर सर, इनके। तो ये कल जो प्रतियोगिता में जो शामिल है उसमें कौन सा रैंक मिला आपको? आरजी दादर प्रतियोगिता इसमें चौथा रैंक मिला है, 1600 मीटर में चौथा रैंक। जिले भर में। टाइमिंग बताओ अपना। टाइमिंग 4:55 और 1600 मीटर था। 1600। नमस्कार श्रीमान जी। नमस्कार। क्या इवेंट है, क्या प्रतियोगिता आयोजित हुई सर? ये प्रतियोगिता बैतूल जिले में 1600 मीटर अग्निवीर आर्मी भर्ती रैली चैंपियनशिप जो आरडी एकेडमी के थ्रू वहां पर करवाई गई थी, जिसमें हमारा ग्लोरियस फिजिकल एकेडमी आमला, जिसमें से हमारे यहाँ अशोक कवड़े ने वहाँ पर चौथी रैंक में 1600 मीटर 4:55 में क्रॉस करी, जिसमें वहाँ पर इन्हें ट्रॉफी मिली। ये आमला में जो आप प्रशिक्षण दे रहे हो, कैसे क्या है प्रशिक्षण में, कितने बच्चे आते थे आपके यहाँ? प्रशिक्षण में हमारे पास 30-40 बच्चे आते हैं, जिसमें से गर्ल्स भी है बॉयज भी है। अच्छा। और हम उन्हें आर्मी के लिए और अग्निवीर भर्ती के लिए उन्हें तैयार करते हैं। हर दिन सुबह सुबह 6:30 उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और ट्रेनिंग 7:30-8:00 तक खत्म हो जाती है। और ट्रेनिंग में उनको मतलब फौज में कैसे भर्ती होना है उनकी सारी कलाएं सिखाई जाती है, और प्लस कैसे रनिंग करना है, हर चीज के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है। प्लस अपने देश के प्रति वफादार कैसे बने, देश सेवा में कैसे जाए, इन सब चीजों के प्रति उनके अंदर हम जागरूकता पैदा करते हैं। सर, आपके प्रशिक्षण के दौरान ये बालक आपके ही प्रशिक्षण से आज फोर्थ रैंक लगी है जिले में, इस बारे में आपके क्या विचार है? इस बारे में मेरा यही विचार है कि जैसे बच्चे लोग क्या है, हर रोज अगर फिजिकल क्या है, फिजिकल लाइफ को बढ़ाता है, फिजिकल जिंदगी को बढ़ाता है। फिजिकल में हम लोग इसी चीज के लिए बच्चों में हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि बच्चे फिजिकल के लिए ग्राउंड पर आए और हर दिन तैयारी करे और ऐसी भर्ती निकाले। भर्ती तोड़ने के लिए हम इन्हें हर दिन मतलब वीकली इनके टेस्ट भी लेते हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं। आपके साथ कोई सहयोगी राठौर? राठौर है जी, जो हमारे साथ सहयोग करते हैं और हम मतलब हर रोज उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। ये आपके तरफ से निशुल्क किया जाता है? हाँ, ये हमारे तरफ से निशुल्क किया जाता है। और सेवा भाव, जो चीज हमें ना मिली, जो चीज हम लोग को ना मिली, हम वो चीज इन बच्चों को देना चाहते हैं। और ये भटके हुए बच्चे जो एक सही रास्ते पर देश सेवा में निकले, ये हमारी इच्छा है। और हर बच्चा देश सेवा आर्मी में जाए, यही हमारा प्रशिक्षण का मतलब मेन एम है। और भी बच्चे आएंगे तो उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाएगा? और भी बच्चे आएंगे तो प्रशिक्षण देते हैं और देंगे, आगे भी देंगे। आमला से खबर समय जगत के लिए हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट।